तो भाई अभी यहाँ पे ना मेरे को 5 किलोमीटर चंगला पास से पहले स्नोफॉल तो हो रही है, लेकिन मैं अभी स्कॉर्पियो नहीं चलाऊंगा। इतनी थी यार ऐसे अंडे और हमारे का हाथ ऐसा कर देगी। अरे गियर पे कंट्रोल तो है, तू तो मना खाई के थोड़ा गियर है और कुछ ना है। एक मिनट रुक जा भाई। जो ब्रिज हमने अभी क्रॉस किया था और ये रिवर है यहाँ पे, देखो पूरी जमी पड़ी है। बता यार मरुति भी निकल जा रही है हमारी, अंडे और फंस गई। बता यार जकट जाते बेच दिए भाई। 6.5 घंटे की हैक्टिक ड्राइव के बाद भाई जो नजारे देखने को मिले ना वो पता कैसे हैं? ये हैं भाई नजारे, ये देखो भाई। इस टाइम पे स्नो लेपर्ड की चेतावनी थी, तो इसलिए भाई जिसको सुसु आ भी रहा ना वो उतरेगा ही नहीं गाड़ी से। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बैक करनी पड़ रही है। मेरे पीछे बाइक वाला आ गया। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय करोगे। इस ट्रिप का पहला दिन है जिसमें हम 12 बजे से पहले ही होटल से निकल रहे हैं। फिलहाल हमारा यहां से चेकआउट हो चुका है। बहुत बेस्ट चाहिए था अपना जनांग में। और गाड़ी की मैंने लाइट साफ कर ली है, फोग लैंप साफ कर लिए हैं, शीशे मैंने सारे साफ कर लिए, बाकी और कुछ तो साफ करने का है नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ट्रैवल पार्टनर हाँ, आज ये भी हमारे साथ ही जाएगा। गाड़ी की डिग्गी थोड़ी सी मैंने हाथ से साफ करनी शुरू की थी और भाई टाइम बहुत ज्यादा लग गया। चक्कर वाली गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है। जो जतिन की मम्मी है ना उनका बीपी हाई हो गया था, तो उस चक्कर में ना वहाँ पे पहले तुम पहुंच जाओ SNM हॉस्पिटल। हाँ, हमने विराजवीर को चेक कराया था, तो विराजवीर तो बिल्कुल ओके ना बेटा। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो विराज को तो नहा धो के रात को ही सुला दिया था। और एक लव है महाराज को, एक लव है गुड मॉर्निंग। तो भी गुड मॉर्निंग कर ले भाई। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करना, कम से कम 10 मिनट हो गए। गाड़ी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं कर रही, लेकिन हीटर जो है वो टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा है। और दूसरा ये है कि गाड़ी जब स्टार्ट रह रही है ना भाई, बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है। मतलब ये 6 वाला ना, इसका डीजल एग्जॉस्ट फ्यूज का डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर वाला वो चोक ना हो, इसी वजह से ना गाड़ी ऑटोमेटिकली हायर RPM पे रहती है यहाँ पे, तो ये चीज। और तीसरा, इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है ना भाई, वो कम से कम 80 लीटर का तो होना चाहिए। अब यार पहाड़ों में यार 8, 9 की 9 की 10 की माइलेज आती है, बताओ यार कैसे प्रवर्तक खाएगा यार, ऐसे तो नहीं खाएगा ना। अब फिर इसका हमें आयर को टैंक फुल करना होगा। अब तो हाफ टैंक है, कल वाला सीन नहीं करूंगा मैं। 112 की रेंज थी और मैं चल दिया था, ऐसे नहीं करूंगा, पहले मैं इसको टैंक फुली करा दूंगा। रेंज अभी 239 की दिखा रही है, रात को बढ़ गई ना थोड़ी सी नीचे आगे प्लेन्स में, नहीं तो 200 पे आ गई थी रेंज। 3000 का डीजल डलते ही रेंज देखो कहाँ गई है, 892 पे, और लीटर आया 33.63, 33.5 लीटर मान लो। लेकिन रेंज का कुछ नहीं पता भाई, कभी भी एकदम से घट जाएगी है ना, क्योंकि पहाड़ों में रेंज का पता नहीं होता ना भाई। ना माइलेज दे रही, सीधा इसको स्टार को दबाएंगे। ये देखो अभी हमारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी पूरे ओवरऑल ट्रिप की चल रही है 10.2 और रेंज अब 894 हो गई। तो आज का हमारा सफर स्टार्ट हो रहा है भाई, कहाँ के लिए? पेंगोंग के लिए। और आज का हमारा किलोमीटर का जो सफर तय हो रहा है वो हो रहा है 14,272 किलोमीटर में। अभी तक हमारा ट्रिप भी अभी तक जीरो नहीं हुआ है। ट्रिप पे तो मैं हर बार जब भी जैसे फ्यूल डलवाता हूँ उसको मैं जीरो कर देता हूँ, लेकिन ट्रिप भी हमारा अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और टोटल हमारा जो अब तक का ट्रिप हो चुका वो 1492 यानी 1492 किलोमीटर हम ट्रेवल अब तक कर चुके हैं। और पेंगोंग के लिए हमारे को भाई लगेगा ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे हमारे को वहां पहुंचने में लगेंगे। तो चलो इंजॉय करते हैं पेंगोंग का सफर। जब आप ले से निकलते हो ना तब आपको 30 किलोमीटर तक इसी नेशनल हाईवे 3 पे रहना होता है, एंड देन उसके बाद हम भाई टर्न कर जाएंगे पेंगोंग लेक रोड पे। और वो रास्ता कैसा होगा भाई मैं गया नहीं, बाकी सुना है मैंने पूरा भाई टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। जैसे आप रोड बनाते हैं, ये रोड बनता है जब कारपेटिंग होती है इसकी, तो जो तारकोल वाली लगी है इससे पहले जो होती है ना वापसी डालते हैं, मोटे मोटे जो रोड होते हैं उसको वापसी बोलते हैं, वो डली हुई है भाई पूरे रास्ते पे। आज पता लगेगा हमारे टायर कैसा परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, खड्डे अंदर आएंगे या ये खड्डे महसूस कर जाएंगे। टायर तो थोड़े महसूस करेंगे, सस्पेंशन भी बहुत मायने रखता है भाई इस चीज में। कारू 9 किलोमीटर, उपसी 24, सरचू 226, मनाली 465। अभी मनाली पीछे 404 नहीं दिखा रहा था यार, यही नहीं पता हमारे को कौन सा बोर्ड सही होता है कौन सा बोर्ड गलत होता है। तो जब हम पहुंच गए हैं खारू, और यहाँ से भाई रास्ता फट जाता है। राइट हैंड साइड में जो रास्ता है वो चला जाता है आपका NH3 मनाली की तरफ, एंड हमने ले लिया लेफ्ट साइड पेंगोंग की तरफ। एंड भाई यहाँ पे BRO ने डिस्टेंस एंड ऑल्टीट्यूड चार्ट बना रखा है कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह का। जो पेंगोंग लेक है वो है 104 किलोमीटर, तो भाई सबसे ऊंचा पड़ता है 17,586 चांगला। सारी नॉलेज दे दी मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, भले वो बोर्ड से पढ़ के दिया है। और भाई मैं कौन सा चलता फिरता वो थोड़ा हूँ मैं, विकिपीडिया बात पे लाइक जरूर कर दो। हाँ, इस बंदे की बात पे जरूर लाइक कर दो भाई। क्या हो गया इनकी गाड़ी को, किसने रोक लिया यहाँ? अरे ये क्या हो रहा है, क्यों रोक रहे हैं ये?
चीचोंदे तो भाई मैडम ने हमारे को सिटी मार के रोक लिया था कि सर अपना वो दिखाओ परमिट दिखाओ आगे का। तो इस बार ना हमने कोई परमिट बनवाया नहीं था यार, इस बार ध्यान ही नहीं दिया, किसी फोकस ही नहीं गया वहाँ पे। चलो तो हमने होटल में आए थे, होटल से अपना बनवा लिया था पूरा, अपना 7 दिन का बन जाता है, एक साथ बन जाता है, पर कोई बात नहीं। यहाँ फटाफट हमने फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन डाला और खत्म काम। पूजा मैडम कह रही पूरा रास्ता ऐसा ही मिल जाए तो मजा सा आ जाए, फिर बीच सड़क में जाके खड़ी होकर फोटो कराएगी। ऐसा रास्ता ना मिले भाई, अभी तो जितना मिल रहा है उतना ले लो, ठीक है ना, आगे पता लगेगा रास्ता कैसा आ रहा कैसा नहीं आ रहा। पर भाई मैं तो ना पूरा गाड़ी को खींच के रखने वाला हूँ, पूरा टेस्ट करूंगा भाई अपनी स्कॉर्पियो को, फुल सस्पेंशन टेस्ट करना है मेरे को अपना, अपना नहीं अपनी गाड़ी का। ऑफ रोड भी करना है? ऑफ रोड वहाँ होगा तो ऑफ रोड भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुझे तो भैया लेफ्ट में ऑफ रोड दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ये पत्थर है 2 मिनट में टायरों काट के साइड में रख देंगे। और काट के टायर को साइड में रख देंगे भाई, ऊपर वहाँ लेफ्ट में ऊपर उस रास्ते तक जाना है यार हमारे को। और धीरे धीरे भाई हमारी चढ़ाई चढ़नी स्टार्ट हो गई, हमारी नहीं मतलब जिस रास्ते की चढ़ाई चढ़नी स्टार्ट हो गई है भाई, पता नहीं मैं क्या बोल देता हूँ ना सच में ना। और यहाँ पे ना भाई सच में बोलते बोलते ना अब तो सांस से गुजरती है, और बोल क्या रहा हूँ वो ही नहीं पता होता कि बोलना क्या है। भाई ये है टेक ऑफ पॉइंट एंड हम है भाई पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे, बिल्कुल भाई ऊपर आ रखे है, देखो ये आगे हमारा बिल्कुल पहाड़, कुछ है नहीं इससे ऊपर तो है, इसके ऊपर दूसरे पहाड़ हैं जो और ऊपर, हाँ बाकी पहाड़ तो दूसरे हैं भाई। वो जो सामने व्हाइट पहाड़ दिख रहे ना आपको, इस पहाड़ी के पीछे वहां तक जाना भाई अपने को, मतलब वहां तक हम जाएंगे एंड देन फिर उसके आगे पेंगोंग में भी शायद वो चांगला पास है भाई। सड़क तो पिछले 10 किलोमीटर से है ही नहीं, टोटली कच्चा रास्ता चल रहा है भाई। ये देखो गाड़ी आइडल पे है और 1000 RPM से ऊपर है गाड़ी। मैंने ना भी नीतीश को बाहर भेजा है भाई, रास्ते देखो कितने खतरनाक से हो रखे, बिल्कुल सिंगल सिंगल गाड़ियां निकलती है भाई यहाँ से, और अब रास्ते बिल्कुल कच्चे पक्के ऐसे ही मिलेंगे, कच्चे तो पक्के तो मिलेंगे नहीं, कच्चे कच्चे ही मिलेंगे भाई रास्ते तो। आ गए जिंगराल एंड चांगला रह गया भाई 12 किलोमीटर, और थोड़े थोड़े स्नोफ्लेक्स ना आने स्टार्ट हो गए, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे इतना, थोड़ा सा ऊपर ले आता है क्लियरली स्नोफॉल ही दिखा देते हैं यार, जब यहाँ फ्लेक्स आ रहे हैं तो ऊपर तो पक्का स्नोफॉल हो रही होगी, पतले पतले स्नोफ्लेक्स तो आने लगे है ना, शीशे पे दिख रहे हैं हल्के हल्के आके बारिश की बूंदे से बन जाती है, और ऊपर तो बिल्कुल दूधिया सा हो रखा है, देखियो राइट हैंड साइड में जो पहाड़ है ये देखना क्या हाल हो रखा है, फुल बर्फ गिर रही है फुल भाई, रास्ता बहुत ही टाइट है, संकरा रास्ता है, और अपनी आर्मी वाली भाई ये बस आ रही है तो हमें को हम थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेंगे ताकि बस निकल जाए, पूरा रास्ता देंगे भाई अपनी इंडियन आर्मी को। तो भाई अभी यहाँ पे ना मेरे को 5 किलोमीटर चांगला पास से पहले स्नोफॉल तो हो रही है, लेकिन मैं अभी स्कॉर्पियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि जाखड़ की एंडेवर जो है वो भी रेस बिल्कुल भी नहीं ले रही भाई, तो जाखड़ अभी अपनी स्कॉर्पियो चलाएगा। चांगला पास एक बार क्रॉस करते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां से जब डाउनफॉल आएंगे क्योंकि गाड़ी में आ गया डीजल पर्टिकुलर फिल्टर वाला साइन आ रहा है, बहुत तगड़ी बदबू मारी है DF की बहुत तगड़ी, तो मैं इसको अभी पीछे लेके गया था वापिस रिवर्स में ऊपर चढ़ाया, थोड़ा सा डाउन था वहां से रेस बना के चलाई, और फिर अब यहां से लूंगा और उसको मैनुअल में ही चलाऊंगा। इतनी थी यार ऐसे एंडेवर हमारे को हाथ ऐसा कर देगी हैं, एंडेवर के ऊपर तो यार बहुत भरोसा हमारे को यार, एंडेवर तू ऐसे करेगी क्या, चल कोई नहीं अब तेरे को मैं खींचूंगा, जाखड़ तेरे को बहुत प्यार देता है, मैं तेरे गुस्से से चलाता हूँ। तो भाई अभी तो ना मैं गाड़ी को मैनुअल मोड में ही चलाऊंगा, ऑटोमेटिक तो चलाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मेरे को भाई ऑटोमेटिक गाड़ियां कम पसंद आती है, मैनुअल ना आप अपनी मर्जी से आओ भाई, मारी के ब्रेक ना लगाने, मारी के ब्रेक लग गए ना चलेगी नहीं, अरे भैया हमारी का ब्रेक लग के चलेगी नहीं, DPF इशू है इसमें, अरे गियर पे कंट्रोल तो है, तू तो मन खाई के तो लगे और कुछ ना है, एक मिनट रुक जा चला जा, मारा कर गया मोमेंटम तोड़ गया भाई, के बेड़ा है तेरा भाई, चलो भगवान हमारा बली करेगा, बजरंग बली दिखा अपनी ताकत थोड़ी सी, जाखड़ी गाड़ी में हनुमान गियर लगवा दे बस डाउनफॉल पे, फिर चलो इतना भला रह गया कि डाउन पे थे हम, अपना रोकू भाई मैं, कूद लो भाई जिसने जो ऐसा कूदता है, पर या ना रुकेगी भाई गाड़ी, अब मैं नहीं रोक सकता भाई, अब रुकी तो गाड़ी रुक जाएगी, चढ़ाई वैसे ही है, आगे से आ रही है कमांडिंग अफसर की गाड़ी भाई, सफारी आ रही है GS 800, बता यार मरुति भी निकल जा रही है हमारी, इंडिया पर फंस गई, बता यार बता, जाखड़ जाते बेच दिए भाई, भाई अभी आगे ना मैंने स्कॉर्पियो को स्लो स्लो चलवा रखा है कि बस इतना चलती रहे कि रास्ता ब्लॉक ना हो, क्योंकि ना बहुत लोग ना ओवरटेक टेम्पो ट्रेवलर वाले ना ये 2 लेन बना के आ जाते हैं भाई आगे से,
और फिर एक बार इसका मोमेंटम टूट गया ना, फिर मेरे को पूरा रिवर्स लेके जानी पड़ती है, और कम से कम ना अब तक मैं 4 बार रिवर्स ले चुका हूँ, और इस टाइम गाड़ी 4000 RPM पे ही है, सेकंड गियर लगा रखा है बस मैंने, मैनुअल में चला रहा हूँ इसको अभी। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लेड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। भाई सच में भाई, ये तो इतना टफ टेरेन था, इतना तो खारदुंगला का भी नहीं था। कल रात को खारदुंगला का तो रास्ता बिल्कुल इतना बढ़िया था, प्लेन रास्ता था, पर रास्ता टूटा हुआ है भाई, पर भाई कर करा के मंडेवर को ले आए। तो भाई पहुंच गए भाई हम चांगला पास पे 17,586 फुट पे। स्कॉर्पियो को कोई दिक्कत नहीं आई भाई, बिल्कुल मस्त चली है। हाँ ये है, पहले दूसरे गियर में चलाए, देखो वो था कुछ चाय बड़ी जगह खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हो, महिंद्रा ने भाई प्रॉपर ट्यून कर रखी गाड़ी, चलेंगे कोई नहीं, अब आगे डाउन फील डाउन ही ले जी, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ना उनके भी कोई दिक्कत नहीं, अब तो डाउन आगे। चलो भाई अब यहाँ से एक बार जाम थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर यू टर्न घुमाइयो रिवर्स लेके, पहले रिवर्स में ऊंचाई तक जाना था, मैं जैसे ऊंचाई हो जाए ढलान तुरंत स्पोर्ट्स मोड मारती है, यहाँ से यू टर्न घुमाइयो। भाई टेम्परेचर था यहाँ 2 डिग्री, माइनस में टेम्परेचर नहीं था, स्नोफॉल हो रही है लेकिन गिर, हटा दो, हाँ हाँ हटा दे उसको, बता दी भाई जाकड़ों के बारे में बताया, बड़ी मुश्किल से उसको लो में लगा के चढ़ा के लाया था, अब जाकड़ों को बता दिया भाई उसका लो हटा के नॉर्मल कर ले, खाली 4 हाई में रख ले एंड देन डाउन हिल पे ही रखे करनी है, तो अभी यहाँ डाउन हिल है, तो एक बार पूछ लेता हूँ भाई से, अब सही चल रही है, अब ठीक है, हाँ वो DPF का ही चक्कर था भाई, इसीलिए रेस ने ले ली थी वो, और भाई हमारे एक साथी की भाई तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, सर चकरा गया पूरा नीतीश का, तो जैसे डाउन जाएंगे तभी ठीक होएगा, पर आना भी तो इसी रास्ते से है भाई, ये भी देख वो है समस्या है, घर पूरे सही भाले बने हुए हैं, बस भाई एवलांच एरिया यही है, कभी भी नीचे आ सकती है भाई, ऐसा है ना सच में ना ये पासिस जितने ना हालत खराब कर देते हैं, ठीक है अभी तक मेरी हालत बिल्कुल ठीक है, बस ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बाकी सबकी ना कईयों की हालत खराब हो रखी है, पीछे इसकी नीतीश की हालत तो बिल्कुल डाउन हो रखी है ना, बहुत ज्यादा। फिर आओगे लद्दाख? नहीं मैंने तो इस टाइम भी नहीं बोला था। लास्ट टाइम भी बोल के गई थी कि नहीं आऊंगी, फिर आ गई नकटी कहेंगी आप लेके आते हो, यही है कि अब तो मोस्टली हमने जो मेन मेन चीजें सारा देख लिया, अब कभी ट्रैवल करूंगा लद्दाख तो भाई मैं अकेला ही ट्रैवल करूंगा, बच्चों के साथ तो नहीं करूंगा, बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड ये सब चीज ठीक है, लेकिन ये हाई टेरेंस ना यार ठीक नहीं है, मैं बच्चों के लिए ठीक नहीं मानता, ये नहीं यार बच्चे परेशान, हालांकि देखो हमारे बच्चे पूरे स्ट्रॉन्ग है आराम से बैठा है, अभी थोड़ी सी इसकी रेंज आ गई है, इसकी नहीं इसके फोन में जो रेंज आ गई है, विराज ठीक हो आप? और एकलव अपना पीछे आराम से सो रहा है, एकलव तो सारा से सोता है तकिया लगा के कंबल ओढ़ के, भाई किशोर सबसे तगड़ा होता है भाई, बच्चों को ना इस पे खिला नहीं सकते, कुछ पिला नहीं सकते, खाने पीने की चीजें बहुत है गाड़ी में, लेकिन कुछ खाते पीते तो वॉमिट आउट कर देते हैं, बस यही रहता है भाई, एंड बाकी बर्फ तो बहुत तगड़ी है भाई, टेम्परेचर बहुत तगड़ा है, एंड भाई आगे जाम बहुत लगता है इस पे, क्यों? क्योंकि जो ये अभी बर्फ गिरती है ना यहाँ पे चांगला पास पे, तो यहाँ पे पेवर्स बिछा रहे हैं, तो ये वाली पेवर्स ना सीमेंटेड है तो ये टूटेंगी नहीं, जैसे सेम जैसी जोजिला में बिछा रखे है ना सेम वही यहाँ पे बिछाने लग रहे हैं, तो वही काम चल रहा है, ये हालत देखो भाई ये हालत है यहाँ पे, पास बिल्कुल टूटा हुआ है, बनने लग रहा है, ट्रक देखो बिल्कुल बर्फ के अंदर घुसने को हो रहा है, और गाड़ियों के लिए रास्ता है नहीं, ट्रक वाले तो भाई पूरी हिम्मत कर रखे, पूरा बर्फ की तरफ कर रखा है ट्रक को, चलो भाई ऐसे धीरे धीरे करते करते निकल जाएंगे, पूरी रिवर ही जमी पड़ी है, देखो लेफ्ट में राइट में देखो पूरी रिवर जमी पड़ी है, पूरी फुल चली नहीं, ऊपर तो पूरी जमी पड़ी, नीचे हल्का हल्का पानी चल रहा है बस, इसमें ऊपर से तो पूरी जमी पड़ी है, बताओ यार, और जिसमें जून का महीना चल रहा है, और भाई जो ब्रिज हमने अभी क्रॉस किया था, और ये रिवर है यहाँ पे देखो पूरी जमी पड़ी है, देखियो पूजा यार है फुल जमी पड़ी है, टेम्परेचर अभी भी भाई यहाँ 1-2 डिग्री है, और रास्ते देख लो कैसे है, पेंगोंग भी भाई साहब पूरी पेंगोंग ही है, जाकर कर रहा है सुसु, ए क्या कर रहा है बे, ए सुसु कर रहा है, नेवर गिव अप, अगर हमने आज गिव अप कर दिया होता एंडेवर को वापस भेज दिया होता वहां से, तो भाई अब हम यहाँ नहीं होते तांग से, और थोड़ी देर बाद हो जाएंगे पेंगोंग, खाने पीने की जगह भी भाई आपको यहीं पे मिलेगी तांगसे में, अब तक रास्ते में एक छोटा सा मैगी पॉइंट भी नजर नहीं आया भाई, जब से मैं वो चांगला पास उतरे है ना उससे पहले भी, मतलब उस वाले हाईवे पे यार है ही नहीं कोई खाने पीने की जगह, ये छोटा मोटा चाय मैगी पॉइंट तो होना चाहिए ना यार, खैर भाई इतने टफ टेरेन से कौन जाएगा है कौन मारूंगा, और इस रोड पे भाई पूरा खींच के चला रखी है मैंने गाड़ी, पूरा सस्पेंशन सेटअप का टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्लो चलाऊंगा तो खड्डे बहुत ज्यादा फील होंगे, हम अपनी गाड़ी के सस्पेंशन की पूरी फुल टेस्टिंग करेंगे,
बहुत देर हो गया, पीछे बहुत देर से स्लो स्लो चलता आ रहा हूँ। प्लेन सा रोड मिला, मतलब सीधा रोड मिला है, प्लेन तो है नहीं, वापसी डाल रखी है रोड के ऊपर। क्या पता नेक्स्ट टाइम आए तो बना हुआ मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आए इस बार तो पहुंच लेंगे। गौ माता रुक जा, ब्रेक लगा मुझे जाने दे। हालात तो मुझे आगे के भी खराब ही दिख रहे हैं। एंड यहाँ से अपना जो पेंगोंग रहती है वो 41 किलोमीटर रहती है भाई, 40 किलोमीटर यानी मान के चलो एक घंटे का सफर रह जाता है। गियर तो मैंने 30 रख रखा गियर तो। ओ भाई हमारे ट्रिप के 1600 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गए, 3000 आरपीएम पे भाई और 80 की स्पीड, और रास्ता देखो कैसा है, वाह है ना, मजेदार है ना जी। वेलकम टू पेंगोंग लेक। पेंगोंग रहेगी भाई 35 किलोमीटर, और चुशुल परमा के पुलिस तो पुलिस आरोंग चिल्लम ये सब है भाई राइट साइड में। भाई तारे वाशरूम ना खा लिया भाई, हम तो भगवान की सु ईसा के खाओ हो, तुम के पियो हमने बता दो, हम भी मुंह तले इतना इतना लाते कहां से हो। तो भाई जाखड़ वाली गाड़ी में तो ना बहुत लोग सुसू करते हैं, बहुत ज्यादा इतना सुसू पता नहीं कहां से। मैं इतना पानी पीता हूं, मैं करता हूं पर इतना नहीं भाई, उनका तो जहां भी स्टॉप पे जाता है वहीं सुसू आ जाता है। हां भाई कैसी रही ड्राइव? ड्राइव तो अच्छी रही, स्कॉर्पियन ने हमारा पूरा साथ दिया ना, साथ से भी ऊपर किया है, मतलब प्रॉपर साथ दिया है ना भाई। सस्पेंशन के मामले में ना मैं फैन था हैरियर का, मतलब इस सेगमेंट में मैं ये मानता था कि मैं चलो कोई बात नहीं, इसमें बोर्ड रोल है, देखो इसमें थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, लेकिन भाई इस गाड़ी को भी आप ना 80-90 की स्पीड में ना ऐसे कच्चे पक्के रास्ते पर चला सकते हो। और जिसमें रास्ता पूरा टूटा हुआ था, पूरा टूटा और हमें ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, और जिसमें हमारी गाड़ी तो 20 इंच है और हम इतना इजीली, हमें पता भी नहीं लगा कि हम ऐसे रोड पे चल रहे हैं। कोई खड्डा नहीं, कुछ नहीं, कुछ महसूस हुआ तेरे को? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस। बाकी तेरी तबीयत तो ढीली हो रखी है? मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर हो गई है पहले से। अच्छा, बीच में ज्यादा गंदी हो गई। हाँ, इसने वो ऑक्सीजन का स्प्रे मारा ना मुंह में तो उससे था ठीक हुआ है। अब भाई चलो उनका सुसु निपट जाए तो चलते हैं। देख लो भाई काम चल रहा है, हम इंडियंस को ना कमी निकालने की आदत है, हैं भाई। इस सड़क को देखो ऐसे चौड़ा किया जा रहा है, डबल लेन, पहले सिंगल लेन थी तो काफी लोग पेंगोंग आते हैं, उनको अच्छा रास्ता नहीं मिलता, तो हमारी बीआरओ भाई इसको डबल लेन कर रही है। और ये सड़क बन जाएगी भाई आपकी अक्टूबर तक, कहेंगे इसी साल अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी भाई। फुल ऑफ रोड है, फुल ऑफ रोड, तांगसे से लेके पेंगोंग लेक तक पहुंचने तक भाई रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। फाइनली भाई हम पहुंच गए पेंगोंग लेक, हैं बड़ा कष्ट सहन किया भाई आज तो हमने, हैं इतना तो भाई कभी नहीं सहन किया एक लेक को देखने के लिए। चलो फाइनली 3 डेट्स में देखी थी, आज लाइव देखेंगे भाई। 6.5 घंटे की हैक्टिक ड्राइव के बाद भाई जो नज़ारे देखने को मिले ना वो पता कैसे हैं? ये हैं भाई नज़ारे, ये देखो भाई पेंगोंग लेक है ये, एंड जो ये पेंगोंग लेक है ये भाई 160 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, और ये भाई वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है, और जिसकी हाईएस्ट डेप्थ जाती है ना वो जाती है 100 मीटर तक। इमेजिन कर सकती है, तो आप इमेजिन कर लो कितने फुट गहरी होगी। और 1/3 पार्ट हमारे इंडिया में है, बाकी का चाइना में, एंड जो उधर जा रही है वो थोड़ी देर के बाद बॉर्डर आता है उधर अपना चाइना है, एंड यहाँ पे हमारा इंडिया है। हवा बहुत तेज चल रही थी, अभी जस्ट थोड़ी सी स्लो हुई है, और भाई ठंड की बात करें तो 18 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ पे, और बारिश कंटिन्यूसली हो रही है पूरे रास्ते भाई, स्नोफॉल बारिश। चांगला पास से हालत खराब होनी शुरू हुई थी, उसके बाद तो भाई होती आ रही है फिर तेज। और लास्ट के जो 40 किलोमीटर थे ना वो तो पूरे ही बेकार थे, लेकिन यहाँ आके जो ये देखा ना लेक को, और सच मन करता है कि ना कई घंटों तक ना यहाँ ही बैठे रहे आराम से सुकून। और देखो वो समुंदर वाली फीलिंग आ रही है, पानी आ रहा है ऐसे टकरा रहा है फिर वापस जा रहा है, पर भाई और इसके पानी के में कहते हैं कि हाथ नहीं डालना चाहिए, आपका हाथ ना फ्रोजन ही हो जाएगा, लाइफ भी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। ये देखो नहीं करो ना, मेरे ख्याल से मैंने 1 मिनट भी रखा होगा, ये देखो पर्पल रेड कैसा हो गया हाथ मेरा है। तो भाई इसके अंदर मना करते हैं कि पानी में पैर हाथ कुछ भी नहीं डालना चाहिए। पहले उधर पीछे रास्ता भी था, गाड़ी लोग उतार लेते थे, लेकिन अब वहाँ खुदाई कर रखी है कि गाड़ियाँ ना यहाँ तक लाई जाए। तो बस वही है भाई, यहाँ के नज़ारे इंजॉय करो भाई, एक बार तो भाई लाइफ में पेंगोंग लेक आना बनता है, एक बार तो बनता है। हमारा लास्ट टाइम रह गया था लेकिन इस बार भाई हमने कंप्लीट कर दिया। जब ऊपर से इस लेक को देखेंगे ना भाई तो आपको 3 कलर तो डेफिनेटली दिखेंगे, पर्पल ब्लू ग्रीन, एंड यहाँ नज़दीक आके तो क्रिस्टल क्लियर होता है ना, आपको यहाँ के पत्थर ही दिखेंगे।
एंड पीछे के पहाड़ों को देखो यार है, और डायनासोर की स्किन वाली याद दिला रहे मेरे को वहां के पहाड़। भाई मूवी में तो आपको एक ही चेतक स्कूटर दिखाऊंगा, पर यहाँ पे भाई बहुत ही ढेर सारे चेतक स्कूटर है यहाँ पे। एंड ये ऐसे ही नहीं भाई, आप आए इसके ऊपर फोटो खिंचालोगे, आपको इसका चार्ज पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज आपको इसके देने पड़ेंगे स्कूटर के ऊपर के। अगर आप तीन बंदे एक साथ बैठ के फोटो कराते हो तो 100 रुपीज, दो बंदे कराते हो 80, एंड सिंगल बंदा फोटो कराता है तो 40 रुपीज। भाई इतने दिन हो गए पहाड़ों में घूमते हुए, पहली मैगी पता है कहाँ के नसीब हुई है, पेंगोंग लेक पे आके। वाह भाई वाह, कुदरत के नज़ारे, नज़ारे बड़े जबरदस्त है भाई। बाकी हालत टाइट कर देते हैं रास्ता, और इस साल अक्टूबर तक तो भाई ये रास्ता बन जाएगा, अक्टूबर के बाद या नेक्स्ट ईयर तो बहुत बढ़िया रास्ता हो जाएगा पेंगोंग के लिए। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लो, तब तक हमारी वीडियो में देख लो। बहुत ही गंदा रफ ट्रेन था, लेकिन अपनी स्कॉर्पियन ने भाई पूरा भरपूर साथ दिया, और सबसे बढ़िया साथ दिया भाई इसके टायर्स ने और इसके सस्पेंशन ने। अलॉयज का कलर देखो यार, ब्लैक तो रहा ही नहीं, इसका भी कलर पर्पल हो गया है, पेंगोंग लेक में आके ये भी पर्पल हो गए। बाकी भाई बहुत बढ़िया चल रही है अपनी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, मस्त चल रही है, रापचिक चल रही है, मजेदार चल रही है, बस बस थू 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 नजर ना लगे। तो जी अब हम बाय करके जा रहे हैं पेंगोंग को, फिर कब आएंगे ये तो मैं पक्का नहीं बता सकता भाई, क्योंकि जो रास्ता जब तक अच्छा नहीं होगा ना तब तक तो मैं पेंगोंग नहीं आऊंगा। हाँ रास्ता जब बढ़िया हो जाएगा फिर पेंगोंग आ जाएंगे, क्योंकि यार जो रास्ता है ना वो तोड़ देता है भाई यहाँ तक आने में। बाकी यहाँ आने के बाद भाई पूरी थकान अपनी वापस से तैयार हो उसी रास्ते पे जाने के लिए सारे। Yes, full of excitement. Yeah. अभी खाना पीना खा के ना बिल्कुल मस्त तबीयत हो गई है, बस कोई वोमिटिंग मत करना गाड़ी के अंदर को देखने के बाद। बाकी भाई ये नजारे तो छोड़ के जाने के है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी शीशा नहीं उतारूंगा भाई, बहुत ठंडी हवा आती है, बहुत ठंडी, बहुत आराम से चली जाएगी, बहुत आराम से। भैया घूम के बाहर निकल जाना। अच्छा एंडीवर को मत लो यार, बाहर निकल जाओ, बाहर सामान मिल जाएगा सारा। नहीं नहीं बाहर निकल जाओ, बस 10 जाएगी, 10 निकल जाओ। ओए मान जावे। तो अभी आपने देखे होंगे भाई अपनी स्कॉर्पियो के डोनट्स वाले शॉर्ट्स कैसे लगे भाई, मारे को तो कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल जाए ऑफरोडिंग की, हम तो वहीं इसका 4x4 लगा देते हैं, मक्का चाहिए। हाँ ये दोनों बैठे हैं ना, एक लवर विराज भी, पापा ऑफरोडिंग नहीं की हमने, ऑफरोडिंग देख लो भैया होगी, ऑफरोडिंग यहाँ की ऑफरोडिंग हुई है, बढ़िया मस्त मजा आ गया। एंड जो शॉर्ट्स लिए हैं वो नीतीश भाई ने लिए, बताना कैसे लगे आपको। बढ़िया लगेंगे। तो अभी भाई उस तरफ आप देख रहे होगे नया ब्रिज बनने लग रहा है, क्योंकि जब ये 2-lane highway बन जाएगा ना प्रॉपर, मतलब चौड़ा बन जाएगा, तो खाली सिंगल लेन टाइप ही है ना, तो वो वाला रास्ता वहां से निकलेगा सीधा, ऊपर से निकाल रखा है, देखो अब आपको क्लियर दिखाऊंगा। यार ये पत्थर फिर आ गया सब। भाई सामने के वेदर को देख के तो यही लग रहा है कि हमारे को अब फिर से चांगला पास पे भयंकर स्नोफॉल मिलने वाली है। हे भगजन बली, जाम नहीं मिलना चाहिए बस, बाकी सब कुछ मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। भाई सुबह जब गए थे इतनी स्नो कहाँ थी, सड़क पे तो नहीं थी इतनी, देखना अब ये साइड में जो लगे हुए इन पे भी स्नो है, अरे सामने से आने वाली गाड़ी पे भी पूरी फुल स्नो है, हैं भरी पड़ी है गाड़ियों ऊपर भाई, फुल ऑन बर्फ है, रुकी नहीं रही बिल्कुल भी, पूरे सड़क पर ना स्लश होगा पूरा, थोड़ी बहुत जो पिंगली थी अब रात को फिर हो जाएगी, धूप तो आज निकली नहीं मेरे ख्याल से है, और लेह में भी भाई पूरी बारिश हो रही है आज, क्या करके माने राम जी है, जून के महीने में क्या कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, और भाई टेम्परेचर इस टाइम 0 डिग्री यहाँ बन गया भाई स्लश पूरा, कुछ दिखाई नहीं, हाँ दिखता ही नहीं कुछ भी, हाँ कुछ नहीं दिख रहा, देख तो एक तो शीशे भी इतनी वो रखी है बाहर, और बाहर ऊपर से वो सड़क बन रही है ना, ये एक मिट्टी डालते हैं ऊपर से बर्फ, और अब ये देख स्लश बन गया। जैसे कल शाम को हम खारदुंगला घूमने गए थे ना, ऐसे वापसी में हम इस टाइम कहाँ पे हैं, चांगला पास पे, -3 डिग्री है भाई इस टाइम पे भी, और ताजी ताजी स्नो हो रही है, हल्की हल्की रुक जाती है फिर हो जाती है, थोड़ा सा रुका था, सुसु करना भी तो जरूरी है ना, पानी पीते हैं है ना, चलो भाई अब सीधा चलते हैं, अब ना रुकूं कहीं भी। ये देखो भाई दोनों साइड बर्फ और बीच में सड़क, वो भी कौन सी, पूरे स्लश वाली है, जिसमें बड़े ध्यान पूर्वक चलाएंगे नहीं तो फिसल जाएंगे। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बैक करनी पड़ रही है, मेरे पीछे बाइक वाला आ गया,
यार बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट टास्क मतलब ना टफ का भी टफ टेरेन हो रखा है। देखना यार सड़क के ऊपर कितना जबरदस्त स्लश है, बर्फ है ये पूरी। और भाई ट्रक आगे, ट्रक को जगह नहीं थी, अब क्या करें भाई। हमने बैक ले ली, ट्रक का तो बड़ा सवारी ना भाई, और उस तरफ खाई है तो माँ भाई बैक ली। मेरे पीछे बाइकर था एक, उस भाई ने भी फटाफट पीछे ली तो निकल पाए भाई। भाई पहले गियर में गाड़ी चल रही है, दूसरा गियर तो हिम्मत ही नहीं है लग पाएगा, हिम्मत क्या रास्ता ही नहीं है भाई, दूसरा गियर तो लग ही नहीं पाएगा। वाइपर की रबड़ भी इतनी हार्ड हो गई भाई, विंडशील्ड ढंग से साफ भी नहीं हो पा रही है। बाइक तो ये रास्ता ना इतना डरावना है ना रात के टाइम पे, भले ही हम दिन में इसी रास्ते जाते, एक तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड की चेतावनी थी तो इसलिए भाई जिसको सुसु आ भी रहा ना वो उतरेगा ही नहीं गाड़ी से। भाई गाड़ी में बैठो अपना, जब तक प्लेन रोड नहीं आ जाता जब तक ऐसे रहना। और प्लेन रोड आने में अभी कम से कम भी 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर तक ऐसे ही मतलब रोड पे आंखें गड़ाए चलना पड़ेगा। बाकी सबसे बढ़िया यही है सुबह 6 बजे निकलो ले से, ताकि आप शाम को 6 बजे तक वापस अपना ले पहुंच जाओ। दिन में दिन रात की तो इंतजार करो मत। तो अभी हम वापस पहुंच गए ले, लेकिन आज का हमारा स्टे थोड़ा चेंज हो गया है। गाड़ी तो हमारी यहीं पार्क हो गई है, लेकिन हमारा स्टे आज चेंज, आज हम आ गए हैं भाई लद्दाख इन में। अब हम आज हम यहाँ स्टे करेंगे भाई। रात को तो इतनी हालत खस्ता हो गई थी ना कि हम सो ही गए थे। एंड भाई पहले 50 किलोमीटर का और आने वाले लास्ट के 50 किलोमीटर का ही रास्ता अच्छा, मतलब जो हम स्टार्ट करते हैं ना ले से वही 50 किलोमीटर अच्छा है। उसके बाद तो भाई सारा रास्ता ना बड़ा ही बेकार है, बस सारा ही तो टूटा पड़ा है। और जब चांगला पास पे भाई स्नोफॉल होती है ना वो तो भाई ज़बरदस्ती होती है, और वो गाड़ी की हालत ऐसी कर देती है। और भाई कल के ड्राइव में ना हमारी गाड़ी का एक हब कैप भी चला गया, और ये देखो भाई स्नो ने क्या हाल किया, यहाँ तक एकदम से जंग लगा दिया यार गाड़ी पे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो आज ही स्टार्ट होगा। टिल देन बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।